अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक चिकन करी की रेसिपी। इसके लिए मैंने लिए है 5 पीस चिकन के। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। इसमें जाएगा नमक। स्पाइसेस की क्वांटिटी जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। धनिया पाउडर, लाल मिर्ची का पाउडर, हल्दी, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थिक योगर्ट 2 चम्मच, इस कर्ड और मसाले को इन चिकन पीसेस के ऊपर अच्छे से रब कर लेंगे। अब मैं इसे लगभग आधे घंटे तक मैरिनेट करने के लिए फ्रिज में रख दूंगी। अगर आपको जल्दी है तो आप 15 से 20 मिनट भी रख सकते हैं। बेटर रहेगा अगर हम इसे लगभग 1 घंटे तक रखेंगे। अब यहाँ से मैंने तेल गर्म करने के लिए रख दिया है। आप अगर चाहें तो ज़्यादा तेल भी यूज़ कर सकते हैं, मैं कम तेल खाती हूँ। इसके अंदर मैं खड़े मसाले ऐड कर लूँगी, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची। अब मैंने प्याज को छोटा छोटा चॉप कर लिया था। अगर आप चाहें तो इनका पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। प्याज को हमें सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लेना है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी मैरिनेट किया हुआ चिकन। इसे भी हम प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे। जो इसका अपना पानी निकलेगा चिकन का, प्लस जो हमने इसमें कर्ड ऐड किया है उसका, वो हमें बिल्कुल ड्राई कर लेना है। चिकन को 20 से 25 मिनट मीडियम आंच पे फ्राई करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूंगी लाल मिर्ची का पाउडर, अब जाएगी हल्दी इसमें, गरम मसाला भी 1/2 चम्मच चला जाएगा। अब जिसमें मैंने चिकन को मैरिनेट करके रख दिया था वो मसाला थोड़ा सा बच गया था, वो भी इसमें ऐड कर लेंगे और इसे 1 से 2 मिनट तक अच्छे से चिकन के साथ पका लेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी 1/2 कप पानी और मसाले को अच्छे से पका लेंगे। अब इसमें जाएगा 1/2 चम्मच चिकन मसाला पाउडर। आप जितनी आपको ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से आप पानी ऐड कर लें। मैंने इसमें 2.5 कप पानी ऐड कर लिया है। 1 चम्मच कसूरी मेथी का। इसे तब तक पका लेंगे जब तक चिकन जो है अच्छे से टेंडर हो जाएगा और जब तक आपके हिसाब की ग्रेवी आपको मिल जाएगी। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए कि कैसी बनी थी। आप चाहें तो इसे पूरा ड्राई कर सकते हैं, मगर मैंने इसमें थोड़ी सी ग्रेवी रखी है क्योंकि मैं इसे राइस के साथ खाने वाली हूँ। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। खुदा हाफिज़।